तो चले फिर आगे, टॉपिक क्या है अपना, मेंबर्स मीटिंग्स। देखिए पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो मेंबर्स की मीटिंग्स हैं वो किस किस तरह की होती हैं। देखिए एक याद रखना कि मेंबर्स की मीटिंग को और क्या बोला जाता है, मतलब मेंबर्स की मीटिंग को बोला जाता है जनरल मीटिंग। क्या बोला जाता है? जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग, ठीक है, जनरल मीटिंग बोल देते हैं या क्या बोल देते हैं, जनरल बॉडी मीटिंग, ठीक है, जनरल मीटिंग बोल दिया या क्या बोल दिया बेटा, जनरल बॉडी मीटिंग, ठीक है, इस तरीके से इसको बोल देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद बेटा आता है कि जो जनरल मीटिंग्स होती है वो होती है दो तरह की, किस तरह की, दो तरह की, एक होती है ईजीएम, एक होती है एजीएम, ठीक है, ईजीएम और दूसरी कौन सी है, एजीएम। अब जो एजीएम है, ईजीएम कौन सी होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है जी। और जो सेकंड होती है एजीएम, वो कौन सी होती है बेटा, उसे बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है जी। तो अब एजीएम जो होती है वो साल में केवल एक बार होती है, वंस इन ए ईयर, वंस इन ए ईयर, ठीक है। और एजीएम के अलावा जो भी मीटिंग होगी उसे क्या बोलेंगे बेटा, ईजीएम। एनी मीटिंग यानी मेंबर्स की कोई भी मीटिंग, एनी मीटिंग अदर देन एजीएम इज कॉल्ड ईजीएम, ठीक है। मेंबर्स की कोई भी मीटिंग, क्या बोलता बेटा मैं, मेंबर्स की कोई भी मीटिंग जो एजीएम नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, ईजीएम बोलते हैं, ठीक है। एजीएम के अलावा मेंबर्स की कोई भी मीटिंग होगी उसे क्या बोलेंगे, ईजीएम, ठीक है। एजीएम तो साल में एक बार होनी है, उसके अलावा कोई भी मीटिंग होगी वो क्या है, ईजीएम है। आइए स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं आगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं, आपको हर एक चीज का धीरे धीरे करके खुलासा होता जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि ध्यान रखना है बस। तो कहते हैं कि अब मीटिंग्स कितने तरह की है, यूजुअली जो कंपनी में मीटिंग्स होती हैं वो कितने तरह की है, तो बोर्ड मीटिंग्स है, डायरेक्टर कमेटी मीटिंग्स है और मेंबर्स मीटिंग्स है। बोर्ड और जो बोर्ड में से जो कमेटीज बनी होती हैं, जैसे ऑडिट कमेटी है, नॉमिनेशन रेमोनेशन कमेटी है, सीएसआर कमेटी है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी है, तो ये कमेटी की जो मीटिंग्स है वो होती हैं, बोर्ड की मीटिंग्स होती हैं, उसके अलावा क्या है, मेंबर्स की मीटिंग्स है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, जैसे डिबेंचर्स की मीटिंग भी हो जाती है, ठीक है, पर वो तो रेयर सर्कमस्टांसेस होती है, ठीक है। डिबेंचर मीटिंग्स भी हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अलग मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, वो तो क्या होता है, जहां पे ये लोग हैं कंपनी में तो ही इनकी मीटिंग हो सकती है, अदरवाइज नहीं। तो भाई बेटा आगे चलते हैं, अब एजीएम की हम बात कर रहे थे, एजीएम क्या है, वंस इन ए ईयर, क्या है एजीएम, क्या है बेटा, हेल्ड वंस इन ए ईयर। और एजीएम कौन बुला सकता है, ठीक है, एजीएम कौन बुला सकता है बेटा, या तो क्या है, बोर्ड बुला सकता है अंडर सेक्शन 96 और बाय एनसीएलटी अंडर सेक्शन 97। ये याद रखना कि जो एजीएम है इसको बुलाने की पावर किसके पास है, कंपनी के बोर्ड के पास है, तो मेंबर्स की मीटिंग है, पर बुलाएगा कौन, बोर्ड। अगर बोर्ड नहीं बुलाता तो एनसीएलटी भी बुला सकती है अंडर सेक्शन 97। 96 में कौन बुलाता है, बोर्ड, और अगर बोर्ड ने नहीं बुलाई तो 97 में कौन बुला सकता है, एनसीएलटी। ये सभी करना है, अभी आराम आराम से चलते हैं, कोई नहीं। और ईजीएम बुलाने की ताकत किसके पास है, ईजीएम जो बुला सकता है बेटा कौन है, एनी मीटिंग ऑफ मेंबर्स अदर देन एजीएम इज कॉल्ड ईजीएम। एजीएम के अलावा कोई भी मीटिंग जो होगी उसे क्या बोलेंगे हम, ईजीएम। अब ईजीएम कौन बुला सकता है, बोर्ड तो जब मर्जी बुला सकता है अंडर सेक्शन 100 सबसेक्शन 1 एनी टाइम। और कुछ एक सर्कमस्टांसेस में क्या है, जो रिक्वेस्टनिस्ट है यानी मेंबर्स है वो भी बुला सकते हैं अंडर सेक्शन 100 सबसेक्शन 2, ठीक है। तो
बोर्ड बुला सकता है ईजीएम, मेंबर्स भी बुला सकते हैं, सेक्शन 100 में ही पावर्स दी गई है बोर्ड को, सेक्शन 100 में ही पावर्स दी गई है मेंबर्स को ईजीएम बुलाने की। उसके अलावा सेक्शन 98 में क्या है, ईजीएम बुलाने की पावर एनसीएलटी के पास भी है, ठीक है, ईजीएम बुलाने की पावर एनसीएलटी के पास भी बेटा है अंडर सेक्शन 98। आइए आगे चलते हैं, आगे कुछ एक बेसिक टर्म्स है जिसको समझना बहुत जरूरी है पहले, उसके बिना क्या है कि गति नहीं है, आगे हम चलते तो जाएंगे बट आपको क्लैरिटी नहीं हो पाएगी अगर हम इसको साथ साथ ना समझे। तो आगे कहते हैं कि प्रपोजल क्या होता है, मोशन क्या होता है। देखिए अब मीटिंग में कुछ भी डिसीजन लेना है, ठीक है, मीटिंग में जो डिसीजन लिए जाते हैं पहले तो एक प्रपोजल होता है, क्या होता है बेटा प्रपोजल, उस प्रपोजल को क्या बोल देते हैं मोशन बोल देते हैं, ठीक है, उस प्रपोजल को क्या बोल देते हैं मोशन बोलते हैं। अब जो वो प्रपोजल है, ठीक है, अब जब वो फाइनल हो जाता है कि इस पर चर्चा होगी ही होगी तो वो क्या बन जाता है एजेंडा, क्या बन जाता है बेटा एजेंडा बन जाता है, वो एजेंडा बन जाता है, ठीक है एजेंडा। अब एजेंडा जब एजेंडा को और क्या नाम देते हैं हम बिजनेस, एजेंडा होता है या क्या होता है बेटा वो बिजनेस। अब वो एजेंडा या बिजनेस जब पास हो जाता है, ठीक है, जब वो पास हो जाता है एजेंडा या बिजनेस जब पास हो जाता है बेटा तो इसे क्या बोलते हैं हम, इसे क्या बोलते हैं रेजोल्यूशन, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं रेजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। प्रपोजल मोशन यानी प्रपोजल को ही क्या बोलते हैं मोशन भी, क्या है कि अगर क्या है कि हम चर्चा करवाना चाहते हैं किसी मुद्दे पे तो पहले क्या है कि प्रपोजल होगा, अब वो तय हो गया कि इस मुद्दे पे चर्चा होगी, वो मुद्दा ही क्या है एजेंडा है या बिजनेस है। अब वो एजेंडा या बिजनेस जब पारित हो जाता है पास हो जाता है उसे क्या बोलते हैं रेजोल्यूशन, उसे क्या बोलते हैं रेजोल्यूशन। अब अगर एजेंडे की बात करेंगे तो एजेंडे भी दो तरह के हैं, एक क्या होता है एक ऑर्डिनरी बिजनेस होता है एजेंडा यानी कि एक ऑर्डिनरी बिजनेस, क्या होता है बेटा एक ऑर्डिनरी बिजनेस होता है और दूसरा क्या होता है स्पेशल बिजनेस, ठीक है, एक क्या होता है ऑर्डिनरी बिजनेस दूसरा क्या होता है स्पेशल बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस और दूसरा क्या है स्पेशल बिजनेस, ठीक है। उसके अलावा जो रेजोल्यूशन है वो भी दो तरह के हैं, एक क्या है ऑर्डिनरी और दूसरा क्या है स्पेशल, ठीक है, क्या ऑर्डिनरी और दूसरा क्या बेटा स्पेशल, ठीक है। और कुछ बच्चों के माइंड में ये कंफ्यूजन रहती है कि ऑर्डिनरी जो बिजनेस है उसको पास करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए और जो स्पेशल बिजनेस है उसको पास करने के लिए क्या चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। अब कौन से बिजनेस ऑर्डिनरी होते हैं कौन से बिजनेस स्पेशल होते हैं ये बात की गई है सेक्शन 102 में, सेक्शन 102 में। अब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कौन से होते हैं स्पेशल कौन से होते हैं इसकी बात की गई है सेक्शन 114 में। इसके अलावा बेटा क्या होते हैं मेंबर्स के कुछ एक रेजोल्यूशन होते हैं जो यूनानिमस चाहिए होते हैं, क्या यूनानिमस यानी जहां पे क्या है कि कुल मिला के तीन जगह केवल क्या है ओनली थ्री टाइम्स तीन जगह कह सकते हैं तीन जगह पे क्या है कि ये बात की गई है कि मेंबर के जो रेजोल्यूशन है वो क्या है यूनानिमस। इसकी एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे सेक्शन 162 है, सेक्शन 162 कंपनी लॉ का, वहां पे कहा गया कि मेंबर्स की क्या है यूनानिमस अप्रूवल चाहिए तब जाके क्या है कि एक ही रेजोल्यूशन से कंपनी क्या है कि दो या दो से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। तो मेंबर के जो रेजोल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं मेनली दो तरह के होते हैं ऑर्डिनरी, ठीक है, क्या होता है ऑर्डिनरी और दूसरा क्या होता है स्पेशल। बट कंपनों में तीन जगह लिखा गया है कुल मिला के तीन जगह लिखा गया है कि मेंबर के क्या है कि यूनानिमस रेजोल्यूशन चाहिए इन कामों के लिए, ठीक है। तो पहले क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिए और इसको उतार भी लीजिए, जिसमें बार बार बताता रहता हूँ पोज करके, ठीक है, पोज करके क्या है कि आराम से उतार लीजिए जो आपको उतारना होता है। तो फिर मैं एक बोल देता हूँ, पहले क्या है प्रपोजल है, पहले क्या है बेटा प्रपोजल है या उसको क्या बोलते हैं और मोशन, ठीक है। जब वो मोशन फाइनल हो जाता है कि इस पर चर्चा होगी ही होगी वो क्या बन जाता है एजेंडा, जिसे क्या बोलते हैं बिजनेस, ठीक है। बिजनेस कितने तरह के होते हैं दो तरह के, एक ऑर्डिनरी और दूसरा कौन सा स्पेशल, ठीक है। ये बात कहाँ की गई है कौन सा ऑर्डिनरी है कौन सा स्पेशल है ये बात की गई है सेक्शन 102 में। उसके अलावा क्या है कि रेजोल्यूशन कितने प्रकार के हैं, मेनली जो मेंबर्स के रेजोल्यूशन है वो दो प्रकार के हैं, एक ऑर्डिनरी और दूसरा कौन सा है स्पेशल, जो बात कहाँ की गई है सेक्शन 114 में। उसके अलावा कंपनियों में कुल मिला के तीन जगह बताया गया है कि मेंबर्स के जो रेजोल्यूशन क्या है कि यूनानिमस रिक्वायर्ड होते हैं, यूनानिमस मतलब एक मत में,
कि मेंबर्स की सभी मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए तीन जगह पे। एग्जांपल मैंने एक दे दिया आपको जैसे सेक्शन 162 में, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं बेटा हम। तो मैं बात कर रहा था कि प्रपोजल क्या होता है, मोशन क्या होता है। तो प्रपोजल मोशन क्या हुआ कि जो क्या है कि एजेंडा हम डिस्कस करवाना चाहते हैं मीटिंग में, जो प्रपोज कर रहा है कोई मेंबर कि इस मुद्दे पे चर्चा की जाए, दैट इज कॉल्ड प्रपोजल या दैट इज कॉल्ड मोशन, ठीक है। जब वो मोशन तय हो जाएगा इसको डिस्कस करना है, वो जो डिस्कस किया जाएगा मीटिंग में उसे क्या बोलते हैं, एजेंडा या बिजनेस, ठीक है। अब उसके अलावा क्या है कि रेजोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, जिन्होंने बताया मेनली जो मेंबर्स के रेजोल्यूशन है वो दो प्रकार के, एक ऑर्डिनरी है और दूसरा कौन सा है, स्पेशल, ठीक है। मैं भी बेसिक करा रहा हूँ, ऊपर ऊपर से ही समझा रहा हूँ क्योंकि आगे चैप्टर में ज्यादा दिक्कतें ना आए, कुछ टर्म्स मैंने पहले ही क्लियर करके चल रहा हूँ और आगे जाके वो डीपली हम स्टडी करेंगे। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है बेटा, जहाँ सिंपल मेजोरिटी चाहिए, क्या चाहिए, केवल सिंपल मेजोरिटी। और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, थ्री टाइम्स मेजोरिटी। यानी सिंपल मेजोरिटी क्या है कि एक भी वोट फेवर में एक्स्ट्रा आ गई, अगेंस्ट एक भी वोट ज्यादा फेवर में आ गई तो उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है। अगर जो वोट फेवर में है वो अगेंस्ट का तीन गुना है उसे क्या बोलते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन। जाके जाके हमें स्टडी करना है अभी, ठीक है। फिर क्या है कि प्रॉक्सी क्या होता है, देखिए मेंबर ने जो है कि वोट खुद डालनी होती है, क्या है, मेंबर ने वोट खुद डालनी होती है। अब मेंबर खुद वोट ना डालने की बजाय, मेंबर क्या है बेटा, खुद वोट ना डालने की बजाय किसी और को भेज देता है, किसी और को चुन के भेज देता है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी। वो हमने आगे जाके करना है। तो पर्सन अटेंडिंग मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर इज कॉल्ड प्रॉक्सी। जो मेंबर के बिहाफ पे मीटिंग अटेंड करने जाएगा उसे क्या बोलेंगे, प्रॉक्सी। उसके अपने कुछ राइट्स होते हैं, कुछ एक्लेबिलिटीज होती हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। और ट्रांजेक्शन जो मैंने बताया कि मीटिंग में जो एजेंडा होता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन इन द मीटिंग क्या होती है, बिजनेसेस। ये बिजनेस वो नहीं है, कंपनी का सेल परचेज का बिजनेस है, वो नहीं है। ये कंपनी का कोई बेटा सेल परचेज का बिजनेस नहीं है, ये जो एजेंडा डिस्कस किया जा रहा है मीटिंग में उसकी बात हो रही है। मैंने जैसे बताया कि दो तरह के बिजनेस होते हैं मीटिंग में, एक ऑर्डिनरी एक स्पेशल। इन दोनों की बातें कहाँ की गई हैं, 102 सेक्शन में, ठीक है। ऑर्डिनरी बिजनेस, ठीक है। और चार बिजनेसेस क्या हैं, ऑर्डिनरी होते हैं, ठीक है। ये आगे तक हमने डिस्कस करने 102 में, ठीक है। जैसे डिविडेंड को डिक्लेयर करने की बात हो रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बोर्ड को अप्रूव करना है, डिस्कस करना है, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, ऑडिटर्स को अपॉइंट करना है या उनका रेमोशन तय करना है। तो चार बिजनेसेस क्या होते हैं, ऑर्डिनरी होते हैं, इसके अलावा सारे बिजनेस स्पेशल होते हैं, ये भी सेक्शन 102 में हम डिस्कस करेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि ये शब्द कहीं कहीं आ जाते हैं बार बार, तो पहले मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा पहले क्लियर करके, टर्म्स को कुछ जो बार बार यूज होती हैं क्लियर करके फिर आगे चला जाए, ठीक है। तो एजीएम में चार बिजनेस क्या होते हैं, ऑर्डिनरी होते हैं, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, स्पेशल बिजनेस होते हैं। EGM के सारे बिजनेस क्या होते हैं, स्पेशल। तो चार जो बिजनेसेस है एजेंडा वो AGM में ऑर्डिनरी होते हैं, उसके अलावा AGM में कोई भी बिजनेस डिस्कस होगा, कोई भी मुद्दा चर्चा में आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्पेशल बिजनेस। EGM में जो भी बिजनेस डिस्कस होगा वो क्या होगा, स्पेशल बिजनेस, ठीक है। एक कोरम शब्द आएगा तो वो भी मैंने लिख दिया। कोरम क्या होता है कि मीटिंग स्टार्ट करने से कम कितने मेंबर्स मीटिंग में होने चाहिए, मेंबर्स पर्सनली, ना कि प्रॉक्सी के जरिए, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले भी और मीटिंग चलने तक भी, थ्रू आउट द मीटिंग कह सकते हैं हम, पूरी मीटिंग के दौरान जितने मेंबर्स मीटिंग में होने चाहिए कम से कम, दैट इज कॉल्ड कोरम। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंट इन द इन पर्सन, ठीक है, नॉट थ्रू प्रॉक्सी। जो मेंबर्स खुद इन पर्सनली मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए उसे क्या बोलते हैं, कोरम। आइए अब चलते हैं आगे। तो बेसिक टर्म्स हमने डिस्कस की थोड़ी सी, तो चैप्टर स्टार्ट होता है मेनली अब। तो पहला सेक्शन क्या है बेटा, AGM। हर कंपनी को साल में एक AGM बुलानी ही बुलानी है। अब देखिए कंपनी कौन सी, चीनी होती हैं, OPC, प्राइवेट, पब्लिक, कंपनी तीन ही है। अब OPC का तो मेंबर ही एक है तो ये कैसे मीटिंग बुलाए, तो इसकी तो कहानी ही काटा मार दीजिए, ठीक है। OPC को तो एग्जम्प्ट है, मेंबर एक है, कैसे अपने आप से मीटिंग करेगा, तो छोड़ दीजिए इसको। प्राइवेट है या पब्लिक है, इनको AGM बेटा बुलानी ही बुलानी है, नहीं तो पेनल्टी लगेगी। सेक्शन 96, अब ध्यान से चलना क्या कहते हैं। एवरी कंपनी अदर देन क्या है, अदर देन OPC, OPC को छोड़ के OPC कैसे मीटिंग बुलाएगी, मैंने बताया एक ही तो मेंबर है, मीटिंग कैसे बुलाएगा, बुला ही नहीं सकता। एवरी कंपनी शैल ईच ईयर,
ईच ईयर हर साल होल्ड इन एडिशन टू एनी अदर मीटिंग, कोई और मीटिंग बुलाइए मेंबर की, यानी ईजीएम बुलाइए मान लीजिए, उनको छोड़िए। अगर मेंबर कहते हैं, कंपनी कहती है, हमने ईजीएम बुला ली, क्या है फर्क पड़ता है? एक मीटिंग बुला तो ली है ईजीएम, कहते वो अलग है, एजीएम तो बुलानी बुलानी है, एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी ही बुलानी है, साल में कम से कम एक। क्या है? होल्ड इन एडिशन टू एनी अदर मीटिंग ए जनरल मीटिंग एज इट्स एजीएम। कम से कम एक मीटिंग क्या है? एजीएम होनी चाहिए, एनुअल जनरल मीटिंग। एंड शैल स्पेसिफाई द मीटिंग एज सच इन द नोटिस कॉलिंग इट। जो नोटिस इशू किए जाएंगे सेक्शन 101 में, वहां मेंशन किया जाएगा कि ये मीटिंग क्या है, हमारी एजीएम है। ठीक है, तो साल में हर कंपनी को क्या है, अदर देन ओपीसी को, एक एजीएम बुलानी ही बुलानी है, अन्य मीटिंग्स के अलावा, अन्य मतलब एजीएम के अलावा। और नोटिस में पर्टिकुलर स्पेसिफाई किया जाएगा कि ये मीटिंग कौन सी है, एजीएम है। और नेक्स्ट चलिए, मैक्सिमम गैप बिटवीन टू एजीएम कैन बी 15 मंथ्स। तो मैक्सिमम जो गैप है वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 15 महीने। अभी खत्म नहीं है कहानी, आगे भी इसके पॉइंट्स हैं, डिस्कस करेंगे। और कहते हैं कि फर्स्ट एजीएम मस्ट बी हेल्ड विद इन पीरियड ऑफ 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो पहली एजीएम की बात की, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसके 9 महीने के अंदर। और कहते हैं कि इफ ए कंपनी होल्ड्स इट्स फर्स्ट एजीएम एज अफोरसेड, इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कंपनी टू होल्ड एनी एजीएम इन द ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। देखिए, पहले उसने बोला कि हर साल एक एजीएम बुलानी बुलानी है, अब कहते हैं कि जो पहली एजीएम है वो साल खत्म होने के 9 महीने के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए कोई कंपनी रजिस्टर्ड कब हुई है, अक्टूबर में, 1 अक्टूबर 2018 में कंपनी रजिस्टर्ड हुई। ठीक है, इसका साल कब खत्म हो गया, 31/3/19 को। अब वो कह रहे हैं कि पहली जो मीटिंग बुलानी है, बुलानी कब तक है, साल खत्म होने के 9 महीने के अंदर, यानी कि 31/12/2019 तक। ठीक है, 31/12/2019 तक पहली मीटिंग बुलानी है। अब क्या है बेटा कि कंपनी ने यहां पे मीटिंग बुला ली, यहां मीटिंग बुला ली, इस 9 महीने के दौरान क्या है, मीटिंग बुला ली। तो कंपनी ने अपनी फर्स्ट एजीएम, जैसे इन्होंने कहा है, ठीक है, कंपनी ने क्या है, फर्स्ट एजीएम जैसे लॉ में बोला गया है, तो फर्स्ट एजीएम यहां बुला ली मान लो। अब क्वेश्चन ये आया, इस साल में, इस कैलेंडर ईयर में, यानी 2019 कैलेंडर ईयर में तो कंपनी ने मीटिंग बुला ली, इट्स ओके। बट जो पहला कैलेंडर ईयर था, पहला कैलेंडर ईयर कौन सा था, 2018, उस साल कहां बुलाई? कहते कोई बात नहीं, जब कंपनी अभी नई नई बनी है, तो अगर वो पहला साल खत्म होने के 9 महीने के अंदर मीटिंग बुला लेती है, तो जिस साल वो बनी है, यानी 2018 में वो बनी है, उस साल मीटिंग नहीं भी बुलाई चल जाएगा, पहले साल बख्श दिया गया है। ठीक है, तो 18 में मीटिंग नहीं हुई कोई बात नहीं, 19 में मीटिंग होनी चाहिए, होनी चाहिए, 20 में होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, तो 20 में मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, 20 में मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला साल क्या है, बख्श दिया, कोई बात नहीं, अभी रुकिए आगे चलते हैं। तो कहते हैं एवरी सब्सिक्वेंट एजीएम शैल बी कन्वीन विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियली। अब देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे, ये देखिए, ये एक स्टोरी है, एजीएम की लव स्टोरी है। चलिए, तो 1/10/18 को मान लीजिए कंपनी क्या हुई, रजिस्टर्ड, ये होगी रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेशन, क्या, 1 अक्टूबर 2018 को, डन। अब कहते हैं कि इस पहली मीटिंग कब होनी चाहिए, साल खत्म होने के 9 महीने के अंदर। ठीक है, मैं दोबारा लिखता हूं, इसको सही कर देता हूं, फिर आपको समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, तो कहते हैं कि पहली एजीएम कब खत्म होनी चाहिए, साल खत्म होने के 9 महीने के अंदर, 31/12 तक क्या है, एजीएम पहली हो जानी चाहिए। मान लीजिए कंपनी ने पहली एजीएम कब बुलाई, 1 अक्टूबर 2000, ठीक है, पहली एजीएम कब बुलाई, 1 अक्टूबर 2019 को बुला ली। ठीक है, पहली एजीएम कंपनी ने क्या है कि 1 अक्टूबर 2019 को बुला ली। ठीक है, तो साल खत्म होने के 9 महीने के अंदर होगी, यस इट्स ओके, साल खत्म होने की क्या है कि 9 महीने के अंदर पहली एजीएम बुला ली गई है। अब दो बातें याद रखनी है, जो सब्सिक्वेंट एजीएम है, पिछली एजीएम से क्या है, पिछली एजीएम से 15 महीने के अंदर होनी चाहिए, यानी जो इसके आगे 15 महीने। ठीक है, वो कब हो रहे हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर
तीन महीने और 12 महीने, यानी 15 महीने कहाँ पूरे हो रहे हैं, 31/12/2020 को। तो जो अगली मीटिंग है 31/12/20 तक हो जानी चाहिए। बट एक कंडीशन और भी है कि साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर, 31/12/19 को साल खत्म हो रहा है, इसके 6 महीने के अंदर, यानी कि 30 साल खत्म कब हो रहा है, 31/3/20 को खत्म होगा ना, ये साल कब खत्म होगा, 31/3/20 को। ठीक है, एजीएम बुलाई थी कहां, बुलानी कब थी, 31/12/19 तक, तो बुला कब ली गई, 1 अक्टूबर 19 को, ये तो सही किया गया। अब ये साल कब खत्म हो रहा है, अगला 31/3/20 को। ठीक है, तो पिछली एजीएम से, यानी फर्स्ट एजीएम यहां पे हुई थी, फर्स्ट एजीएम इसके 15 महीने के अंदर होनी चाहिए, इसके 15 महीने के अंदर, तो 15 महीने कहां खत्म हो रहे हैं, 31/12/20, या फिर साल खत्म होने के, यानी 31/3/2020 के 6 महीने के अंदर, 6 महीने का खत्म हो रहे हैं, 30/9/20, तो 30/9/20 या 31/12/20, व्हिचएवर इज अर्लियर, 30/9/20, तो 30/9/2020 तक क्या है कि सबसिक्वेंट मीटिंग हो जानी चाहिए, सेकंड मीटिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, सेकंड मीटिंग हो जानी चाहिए। तो सिंपल हुआ बेटा, तो पहली मीटिंग क्या है कि पहला साल खत्म होने के 9 महीने के अंदर, उसके बाद के जितने भी मीटिंग्स हैं पिछली मीटिंग्स के, पिछली मीटिंग के 15 महीने के अंदर, और साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर, विच एवर इज अर्लियर, इसको इकट्ठा पढ़ा जाए तो क्या है, विच एवर इज अर्लियर, इसको सिंपली अगर याद रखा जाए तो क्या है, जो फर्स्ट मीटिंग है वो कैसे याद रखेंगे, विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और जितनी भी मीटिंग्स अगली हैं, सबसिक्वेंट मीटिंग्स हैं, वो क्या है, इसको ऐसे क्या, ये कैसे याद रखेंगे, विद इन 15 months फ्रॉम द प्रीवियस मीटिंग, पिछली मीटिंग जब भी हुई है उसके 15 महीने के अंदर, प्रीवियस मीटिंग, या फिर विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, लॉ में अर्लियर नहीं लिखा, ठीक है, जो हमने निकाला ना विच एवर इज अर्लियर, बेटा ये क्या है पता है, दिस इज कॉल्ड हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, कि लॉ को ऐसे पढ़ा जाए कि किसी की कोई वायलेशन ना हो जाए, किसी की कोई वायलेशन ना हो जाए, क्या बोलते हैं, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, तो पहली मीटिंग कब होगी बेटा, विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और सबसिक्वेंट कब होगी, पिछली मीटिंग से 15 महीने के अंदर और साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर, विच एवर इज अर्लियर। अर्लियर शब्द कहां से आया, हमने खुद निकाला, वो कैसे, क्योंकि हम लॉ की वायलेशन नहीं कर सकते, लॉ में दोनों बातें लिखी गई हैं कि पिछली मीटिंग से 15 महीने के अंदर, साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर, तो अगर हम एक ही बात सुनेंगे, मान लीजिए दूसरी वायलेट हो जाती है, वो भी गलत है, तो हमने विच एवर इज अर्लियर कर दिया कि पहले मीटिंग हो जाएगी तो किसी की वायलेशन नहीं होगी, ये याद रखना। ठीक है, फिर चलते हैं हम आगे, तो ये तो हुआ टाइमलाइन, फिर कहते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम भी है, यहां पे क्या, टाइम की एक्सटेंशन भी हो सकती है। ठीक है, टाइम क्या किया जा रहा है बेटा, यहां पे एक्सटेंड, एक्सटेंशन ऑफ टाइम, कैसे, कहते हैं डिस्चार्ज में, डिस्चार्ज में फॉर एनी स्पेशल रीजन, कोई अगर कंपनी स्पेशल रीजन देती है, भाई कोई जेन्युइन सा कारण है कंपनी के पास, तो डिस्चार्ज में फॉर स्पेशल रीजन एक्सटेंड द टाइम विद इन विच एनी एजीएम अदर देन फर्स्ट एजीएम शैल बी हेल्ड बाय पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months। तो जो एक्सटेंशन मिलेगी ओनली फॉर सब्सिक्वेंट एजीएम है, ठीक है, एक्सटेंशन किसके लिए बेटा, ओनली फॉर सब्सिक्वेंट एजीएम, यानी फर्स्ट एजीएम की कोई एक्सटेंशन नहीं होती, ठीक, ओनली फॉर सब्सिक्वेंट एजीएम्स, वो भी क्या है, अप टू 3 months। ठीक है, आर ओ सी ग्रांट कर सकता है एक्सटेंशन, कौन करेगा बेटा, आर ओ सी,
स्टार ऑफ कंपनी एक्सटेंशन दे सकते हैं, वो भी क्या है ओनली फॉर सब्सिक्वेंट एजियन, वो भी कंपनी को क्या देने पड़ेंगे स्पेशल रीजन। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा आराम से चलना, जल्दी मत करना, आराम आराम से चलो, एक बार पढ़ लो, याद हो जाए, समझ आ जाए, रट जाए, और कुछ नहीं चाहिए। फिर आगे चलते हैं। एवरी एजीएम शैल बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, कोई भी एजीएम बुलानी है, बुलानी कब है, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, बिजनेस आवर्स के बियॉन्ड नहीं बुलानी। और यूजुअली वो बिजनेस आवर क्या है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, 9 AM to 6 PM ऑन एनी डे, बट दैट मस्ट नॉट बी ए नेशनल हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए, ठीक है, राष्ट्रीय अवकाश नहीं होना चाहिए। कहते एजीएम शैल बी हेल्ड ईदर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, ईदर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, या फिर एट सम अदर प्लेस विद इन सिटी, टाउन और विलेज इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। ये क्या है, मीटिंग प्लेस, ठीक है, मीटिंग का स्थान, या तो भले ये एट द रजिस्टर्ड ऑफिस या विद इन द सेम सिटी, टाउन, विलेज जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। प्रोवाइडेड दैट एजीएम ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी, ये याद रखना, एग्जम्पशन है थोड़ी सी, अनलिस्टेड कंपनी के केस में, अनलिस्टेड कंपनी की एजीएम कहां बुलाई जा सकती है, मे बी हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया, इन इंडिया, इफ कंसेंट इज गिवन इन राइटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय ऑल द मेंबर्स इन एडवांस। तो जैसे हम कह रहे थे कि एक तरह का यूनानिमस अप्रूवल चाहिए, तो ये क्या है कि एक और एग्जांपल आ गई जहां पे क्या है कि मेंबर के सबके अप्रूवल चाहिए, ठीक है, सभी मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए इन राइटिंग में या फिर बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड इन एडवांस। प्रोवाइडेड फर्दर दैट सीजी में एग्जम्प्ट एनी कंपनी फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन, दिस सबसेक्शन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज इट मे इम्पोज। तो जो स्थान वाली बात है, तो सीजी के पास पावर है कि चाहे तो किसी कंपनी को एग्जम्प्ट कर सकती है। फिर कहते हैं कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सबसेक्शन नेशनल हॉलीडे मींस एंड इंक्लूड्स अ डे डिक्लेयर्ड एज नेशनल हॉलीडे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर कर दिया कि नेशनल हॉलीडे है, तो वो क्या है, नेशनल हॉलीडे है, बस बात खत्म। एज पर SS2, SS क्या है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, जो मैंने कई बार बताया है कि 3 SS हैं हमारे जो एप्लीकेबल हैं, SS1, SS2, SS3। वन किसका बेटा, डिविडेंड का, ना किसका बताओ, बोर्ड मीटिंग, ठीक है। SS1 किसका है, बोर्ड मीटिंग का, और 2 किसका है, जो हम पढ़ रहे हैं, जनरल मीटिंग, ठीक है, ठीक है। थर्ड किसका है, डिविडेंड, ठीक है। 1 बोर्ड मीटिंग, 2 जनरल मीटिंग, और 3 डिविडेंड। ये 3 स्टैंडर्ड्स हैं जो क्या है, एप्लीकेबल है एग्जाम में हमारे, ठीक है। स्टम्प जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, SS2 की बात हो रही है, जनरल मीटिंग की। तो कहते हैं एज पर SS2 नेशनल हॉलीडे इंक्लूड्स रिपब्लिक डे, यानी कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, दैट मीन्स 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे दैट इज 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस, आजादी दिवस यानी कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर, एंड सच अदर डे एज मे बी डिक्लेयर्ड एज नेशनल हॉलीडे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये नहीं कह रहे कि यही होते हैं, ये कह रहे हैं इंक्लूड्स, ये भी आते हैं। कौन से हो गए बेटा, 3 तो मेजर डिक्लेयर कर दिए, कौन से, 26 जनवरी, ठीक है, 15 अगस्त, और क्या है आपका, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती, ठीक है। 3 तो ये साफ साफ बताए दिए, उसके अलावा और जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है जी। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रूव सच अदर प्लेस फॉर होल्डिंग AGM इफ द प्लेस इज अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस। तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई और स्थान अप्रूव कर सकते हैं जो हो सकता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस ना हो। फिर आगे कहते हैं कि इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, ये कौन सी बेटा, NPO, नॉन प्रॉफिट कंपनी, द टाइम डेट एंड प्लेस ऑफ ईच AGM आर डिसाइडेड अपॉन बिफोर हैंड बाय बोर्ड, पहले ही यानी कि बता दिया जाता है किसके द्वारा, बोर्ड द्वारा, डिसाइडेड अपॉन बिफोर हैंड बाय द बोर्ड हैविंग रिगार्ड टू द डायरेक्शंस इफ एनी गिवन इन दिस रिगार्ड बाय सच कंपनी इन जनरल मीटिंग, ठीक है। अगर जनरल मीटिंग ने पहले डायरेक्शन दे रखी है, मेंबर्स ने पहले डायरेक्शन दे रखी है कि हमें क्या है कि टाइम पहले ही बता दिया जाए साथ के साथ बोर्ड द्वारा कि कब मीटिंग होनी है अगली, तो
तो ठीक है, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। फिर आगे कहते हैं बेटा, एसएस टू प्रोवाइड्स दैट बोर्ड शेल, बोर्ड शेल एवरी ईयर कन्वीन और ऑथराइज कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर्स कॉल्ड एजीएम। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कहना क्या चाहते हैं, ये कहना ये चाहते हैं कि कहते हैं बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, तो वो बात है ये और कुछ नहीं है कि एजीएम बुलाएगा कौन, जिम्मा किसका है, बोर्ड का। ठीक है, मेंबर्स की मीटिंग है, अब कहते हैं कि बुलाने की जिम्मेवारी किसकी है, बोर्ड की, बोर्ड की जिम्मेवारी है मीटिंग बुलाने की। तो बोर्ड शेल एवरी ईयर कन्वीन ऑथराइज कन्वीनिंग, कन्वीन करेगा या ऑथराइज करेगा। ठीक है, मान लीजिए सीएस को ऑथराइज कर दिया, भैया तुमने नोटिस बना के भेजने सब मेंबर्स को, यूजुअली जो होता है, ऑफ ए मीटिंग ऑफ मेंबर्स कॉल्ड एजीएम टू ट्रांजैक्ट आइटम्स ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस। एजीएम में चार बिजनेस ऑर्डिनरी होने ही होने, डिस्कस स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजैक्टेड। ठीक है, तो चार जो ऑर्डिनरी बिजनेस है वो तो स्पेसिफिकली ट्रांजैक्ट होने ही होने हैं, उसके अलावा स्पेशल बिजनेस है तो डिस्कस हो जाएगा वो भी। ठीक है, स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजैक्टेड एट एजीएम एज वेल एज स्पेशल बिजनेस अगर है तो कोई। इफ द बोर्ड फेल्स टू कन्वीन इट्स एजीएम, इफ द बोर्ड फेल्स टू कन्वीन इट्स एजीएम, तो पावर कहां चली जाती है, पता कहां, सेक्शन 97 में। अप्रोच कर सकता है मेंबर कोई भी एनसीएलटी को, भैया इन्होंने मीटिंग हमारी नहीं बुलाई, हमारी मीटिंग बुलवा के दीजिए। तो क्या बोलते हैं, अगर कोई बोर्ड जो है फेल्स टू कन्वीन इट्स एजीएम इन एनी ईयर, एनी मेंबर ऑफ द कंपनी में अप्रोच द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी क्या है, एनसीएलटी, जो हमने पढ़ना है अभी सेक्शन 97 में। ये तो किसकी बात हो रही है अभी, एसएस 2 सेक्टोरियल स्टैंडर्ड 2 जो कंपलसरी है, इसलिए पढ़ा रहा हूं साथ साथ, एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। विच मे देन डायरेक्ट कॉलिंग ऑफ एजीएम ऑफ कंपनी। तो अब तक पढ़ा क्या हमने, अब तक तो ये पढ़ा कि एजीएम तो साल में बुलानी बुलानी है, एजीएम साल में बुलानी ही बुलानी है। पहली कब बुलानी है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 महीने के अंदर। सब्सिक्वेंट कब बुलानी है, पहला फाइनेंशियल ईयर तो खत्म हो गया, चल कोई बात नहीं, सब्सिक्वेंट मीटिंग यानी कि सेकंड थर्ड फोर्थ की बात कर रहे हैं, जो मीटिंग कब बुलानी है, पिछली एजीएम से 15 महीने के अंदर, और साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर, विच एवर इज अगली ईयर। उसके अलावा क्या था, क्या टाइम एक्सटेंड हो सकता है, आंसर इज यस, सब्सिक्वेंट मीटिंग का टाइम एक्सटेंड कर सकती है आरओसी, अगर आरओसी को कंपनी स्पेशल रीजन दे, बट ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक। फिर आया कि मीटिंग बुलानी कहाँ है, अगर कंपनी है लिस्टेड तो बुलानी कहाँ है, एट रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी टाउन विलेज, क्या है, एनी इन द सेम टाउन विलेज सिटी, कोई और प्लेस पे, ठीक है, ऑन एनी अदर प्लेस इन द सेम टाउन विलेज या सिटी, ठीक है, वहां मीटिंग बुला सकती है कंपनी जो लिस्टेड है। अनलिस्टेड जो है वो इंडिया में कहीं भी बुला सकती है, अगर उसके सारे के सारे मेंबर्स राइटिंग में या ऑनलाइन वे में, ऑनलाइन मोड से कंपनी को अप्रूवल दे दें। ठीक है, बुलानी कब है, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, वो क्या थे, 9 AM टू 6 PM। बुलानी कब है, वर्किंग डे को, ठीक है, यानी मतलब नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए, किस दिन बुला सकते हैं बट नॉट ऑन ए नेशनल हॉलीडे। ठीक है, तो अगर मीटिंग नहीं बुलाते, जिम्मा किसका है, बोर्ड का, बोर्ड अगर एजीएम नहीं बुलाता, बोर्ड अगर एजीएम नहीं बुलाता तो मेंबर किसको अप्रोच कर सकता है, एनसीएलटी को, तो एनसीएलटी मीटिंग बुला सकती है अंडर सेक्शन 97, वो हमने करना है। आगे चलते हैं, समराइज किया हुआ इसको बेटा, फर्स्ट एजीएम क्या है, विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, सब्सिक्वेंट एजीएम क्या है, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड विद इन 15 मंथ्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस एजीएम विच एवर इज अर्लियर। जिसमें बताया कि आरओसी क्या है कि एक्सटेंड कर सकती है सब्सिक्वेंट एजीएम अप टू 3 मंथ, स्पेशल रीजन होना चाहिए, इट मींस द टाइम ऑफ फर्स्ट एजीएम कैन नॉट बी एक्सटेंडेड और प्लेस ऑफ होल्डिंग मीटिंग, ये थोड़ा ध्यान से समझिए, मैंने समझाया कि जो बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग है, ठीक है, वो तो क्या है 173 में कवर होती है, 173 में, ठीक है, मैं समझाना चाहता था बोर्ड मीटिंग को भी साथ में कवर करना, कर लो नहीं करना कोई बात नहीं, इसको यहाँ का टॉपिक नहीं है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बीएम तो कहीं बुलाई जा सकती है एनीवेयर इन द वर्ल्ड, पर एजीएम अभी करके आए हम, ठीक है, एजीएम अभी जो करके आए हैं वो है, और एजीएम भी क्या है कि कहीं भी एनीवेयर इन द इंडिया बुलाई जा सकती है। एजीएम को कैसे याद रखना बेटा, जैसे मैंने करवाया अभी 2 केसेस थे, एक अनलिस्टेड का था, एक क्या था, लिस्टेड का था, ठीक है, उस तरीके से याद रखना है। ठीक है, लिस्टेड का क्या था, लिस्टेड में यही था बेटा कि कहाँ बुलानी थी, एट रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, लिस्टेड का क्या था, एट रजिस्टर्ड ऑफिस,
ठीक है, और एट द सेम सिटी टाउन विलेज जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, इन द सेम सिटी टाउन विलेज जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, ठीक है। और अगर कंपनी अनलिस्टेड है वो भी मीटिंग कहां बुलाए, एट रजिस्टर्ड ऑफिस ही बुलाए, बट ठीक है ये इंडिया में कहीं भी बुला सकती है अगर इसके सारे के सारे मेंबर्स के राइटिंग में या बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड से अप्रूवल दे दें तो इन एडवांस तभी। फिर है जी ये तो हुआ बात 96 की बात हुई, ठीक है 96 की बात, ठीक है 96 में क्या हुआ भी एजीएम जो है उसको बुलाने की पावर किसके पास है, बोर्ड के पास, जिम्मा किसका है बोर्ड का, तो बोर्ड क्या है कि एजीएम बुला के देगा, ठीक है वो हमने डिस्कस किया।